की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। राजधानी दिल्ली में ईडीएमसी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सभी घरेलू लघु उद्योगों के लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। अगर किसी कारण से लाइसेंस नहीं बनता तो उनके सर पर मुसीबत आ सकती है, जिसके चलते उद्योग पर या उनकी दुकान पर एमसीडी का ताला लग सकता है। जी हां, उसी को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस बनवाए जाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसके चलते आप अपने इलाके के निगम पार्षद के कार्यालय से फॉर्म भरकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसी के चलते वार्ड 44E की पार्षदा गुरजीत कौर ने भी अपने कार्यालय पर प्रातः 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रिहायशी क्षेत्र में चल रहे घरेलू उद्योग व दुकानदारों को निगम द्वारा लाइसेंस देने हेतु एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें छोटे उद्यमी, दुकानदार, व्यापारी आदि ने इस योजना का लाभ उठाया। कर्मचारी या कोई व्यापारी है, नजायज तरीके से उगाही की बात हो या कुछ हो, उन सब चीजों से के लिए एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि जो भी क्षेत्र में छोटे उद्योग चल रहे हैं या दुकानदार हैं, वो सब इसकी मार्फत से अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए प्रयत्न करेंगे तो आने वाले समय में उनको दिक्कतें हैं तो उससे छुटकारा मिले। मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, जहाँ तक इंक्रूटमेंट की बात है, इंक्रूटमेंट के अलावा जहाँ जहाँ कोई पॉसिबिलिटी है कि जो दुकानदार, लघु उद्योग, कोई भी जो भी प्रक्रिया एमसीडी द्वारा अपनाई जा रही है, उसके अंतर्गत जो भी उन शर्तों को पूरा कर सकते हो, उनको इस अभियान से जुड़कर अपने जो उद्योग है, अपनी दुकानें हैं, उनको रेगुलराइज कराना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र को अच्छा, साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो बनाया जा सके। गया है जो घरेलू उद्योग जो छोटे जो चल रहे हैं उनके लिए कैंप लगाया गया है। इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपने के अंदर छोटे छोटे लोग काम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस दिक्कत से जूझ रहे होते हैं कि कभी उनका चलान कट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अगर वो लाइसेंस बना लेंगे तो प्रॉपर वो काम कर पाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पार्षद कार्यालय पर लोग अपनी दुकान व घरेलू उद्योगों के लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि इन लाइसेंस के लिए हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब पार्षद कार्यालय पर भी यह सुविधा उपलब्ध है, जिससे छोटे व बड़े दुकानदारों को काफी लाभ मिलेगा। छोटे जो इंडस्ट्री रेसिडेंशियल एरिया में चला रहा है, वैसे लोग बनवा सकते हैं, जिसमें पांच, ज्यादा से ज्यादा 5 कर्मचारी काम करते हैं उनके। हम इसी के लिए कैंप लगाया गया, जो भी किसी तरह की समस्या है आके यहाँ पूछे हमसे, और ये हम फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म इसको सबमिट करेंगे तो इसका लाइसेंस बन जाएगा। हाँ, 1000 रुपए है, कमिश्नर ईडीएमसी के नाम से वो डीडी बनाकर देना है उसको। लगभग फॉर्म फिल करने बाद कितने दिनों में लाइसेंस बनके तैयार होगा? अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो 2 से 3 दिन लगने चाहिए। जन के लिए है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो घरों में चल रही है, तो उनकी सुविधा के लिए, उनकी परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए, उनके आने सील ना हो, काम ठप ना हो, तो वो एक प्रक्रिया में आ जाए, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम उन लोगों के लिए काफी लाभदायक हैं, जो अपने घर में दुकान व छोटे मोटे उद्योग चलाकर अपने घर का लालन पालन कर रहे थे। अब उनके लाइसेंस बनने से उन्हें सीलिंग का खतरा नहीं रहेगा और खुशी खुशी अपना काम करेंगे। गीता वर्मा की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली।